सर श्री द्वारा विशेष संदेश योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। हम समझने जा रहे हैं कृष्ण कौन, कृष्ण चेतना की पहचान क्या, सत्य की दास्तान क्या। सत्य की दास्तान में आप कृष्ण के जन्म के साथ बातों को समझते हैं, और आपने सुना है कि कृष्ण का जन्म रात में होता है, 12 बजे होता है। और अब आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ जब मौन से संबंधित है, जब मौन की बात चलती है, तो रात का जिक्र किया जाता है। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, मौन जहाँ कुछ नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो वह तेज काला, वह कुछ नहीं, जो कुछ नहीं नहीं है, वह रात में पैदा होता है, मौन में पैदा होता है। और जैसे बात आती है कि जेल में पैदा होता है, क्योंकि पैदा होने से पहले जेल ही होगी। कृष्ण को अगर आप समझ पा रहे हो तो यह बात आपके लिए बिल्कुल साफ है। अगर कृष्ण को आप शरीर मान रहे हो तो यह बात समझना बहुत कठिन है कि कृष्ण का जन्म जेल में ही होगा। यानी कृष्ण पैदा होने के पहले जेल का ही वातावरण होगा। जेल से छुटकारे के लिए ही तो कृष्ण पैदा होते हैं। जेल में कृष्ण का जन्म यानी मान्यताओं की जेल है, हथकड़ी है, जंजीरें हैं, जिसके अंदर लोग जकड़े हुए हैं। और जब तक कृष्ण पैदा नहीं होते, ये जंजीरें नहीं टूटती। कहानी में सुना आपने, कृष्ण पैदा हुए तो जेल के दरवाजे खुल गए। खुलने ही वाले हैं, दरवाजे तो इंतज़ार ही कर रहे थे कृष्ण के पैदा होने के लिए। कि मान्यताएं टूटेगी कब, अंधेरा दूर होगा कब, जब रोशनी तैयार होगी, प्रकट होगी। कृष्ण पैदा हुए यानी उनकी माँ जब उन्हें जन्म दे रही थी देवकी, तो वह किस अनुभव को अनुभव कर रही थी? कृष्ण के पैदा होने का अनुभव, चेतना के जागृत होने का अनुभव। कंस की जेल में माँ है, क्योंकि उसने राखी कंस को बांधी थी। जो भी कंस को राखी बांधेगा वो जेल में ही होगा। कंस का अर्थ भी समझ लेना, क हंस। हंस शब्द तो कितना पॉजिटिव है, शुभ्र है, पवित्र है। क हंस, क शब्द जोड़ा गया, जैसे तर्क कुतर्क, कर्म कुकर्म, क जोड़ा गया है यहां हंस के साथ, यानी जो हंस नहीं है। क हंस, जो हंस नहीं है। जो हंस है वह कृष्ण है। कंस राज होगा तो किस तरह का राज्य होगा? कंस बहन से प्यार करता है, उसे बहन से नफरत नहीं है, मगर उसका प्यार कौन सा प्यार है? जहां पर जब तक अपनी सुरक्षा का डर नहीं था तब तक वह बहन प्यारी थी, जब तक अपनी सुविधा खोने का डर नहीं था तब तक बहन बहुत प्यारी थी। जब तक वह महत्वाकांक्षी था और महत्वाकांक्षा पूरी हो रही थी तो डर नहीं था, मगर अपनी महत्वाकांक्षा में जब रुकावट महसूस की, जब आकाशवाणी हुई कि कहंस की मौत परमहंस के पैदा होते ही होगी, यानी कहंस
कि मौत की शुरुआत परमहंस के पैदा होते ही शुरू होती है, अंत की शुरुआत। आकाशवाणी सुनकर सारा प्रेम चला गया। जो प्रेम घटनाओं से खत्म हो जाए समझना, वह तेज प्रेम नहीं था। तो कंस ने तुरंत अपने बहनोई को, बहन को जेल में डाल दिया। उनकी शादी भी करवाई बड़ी धूमधाम से पहले, मगर जब पता चला तो दोनों को जेल में डाल दिया, क्योंकि उसे खुद से प्यार था। अहंकार हमेशा खुद से प्यार करता है। कहंस तोलू मन का प्रतीक है, सबके अंदर कहंस होता है, कंस होता है, यानी अहंकार होता है जो कृष्ण को ढक देता है। वो नहीं चाहता है कि कृष्ण प्रकट हो। तोलू मन कभी नहीं चाहता कि कृष्ण प्रकट हो, क्योंकि कृष्ण प्रकट होते ही तोलू मन की मौत होगी। तो जेल में डाल लेने के बाद वो हमेशा चेक करता है आकर कि कौन पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ। चेक कर अनुभव को प्रकट होने नहीं देता। अनुभव हर एक के अंदर है, कृष्ण चेतना हर एक के अंदर है, मगर चेक कर बैठा हुआ है। चेक कर के पहरेदार, यानी बहुत सारे विचार वो बैठे हुए हैं, लगातार चल रहे हैं हर एक के अंदर। वही अनुभव होने के बावजूद भी लोग आनंद नहीं मना पा रहे हैं, आनंद का माखन नहीं खा पा रहे, तो क्या कारण होगा? जरूर कोई ऐसी चीज भी है अंदर जो उस कृष्ण को ढके हुए है। कृष्ण लीला के अगले पड़ाव में देवकी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे कि किस तरह से वह ईश्वर की अभिव्यक्ति के लिए निमित्त बनी। देवकी के दिव्य जीवन से आत्म साक्षात्कार की यात्रा को गहराई से समझने का प्रयास हम करेंगे। देवकी निमित्त बनी, यानी उसका शरीर निमित्त बना, जहां अनुभव प्रकट हुआ। इसका अर्थ देवकी ने वह अनुभव लिया, तो मां ने वह अनुभव लिया, वह निमित्त बनी। सारे दुख सहे, यानी सेल्फ रियलाइजेशन के पहले क्या क्या दुख आते हैं, आत्म साक्षात्कार होने से पहले उनके सात बच्चे मारे गए उसके सामने, उसका दुख, यानी उसके पास जो था उन सब वस्तुओं को छीन लिया गया। मगर सत्य की प्यास कैसी थी, उसने ये नहीं कहा कि मुझे निमित्त बनना नहीं, इतना दुख है। यानी सत्य उस शरीर से प्रकट होना चाहता है, मगर व्यक्ति बीच में कहे नहीं, फिर मेरी महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? तुम जेल में रहोगे, वहीं रहोगे, इतने साल रहोगे, और तुम्हारे सामने एक एक चीज, तुम्हारी प्यारी चीज खो जाएगी। बड़े दुख की बात लगती है ना, बहुत कम लोग तैयार होंगे। यानी सत्य के रास्ते पर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, और कुछ लोग तैयार होते तो थोड़े से प्रॉब्लम आए, थोड़ी समस्या आए तो बोलते ये हमारे लिए नहीं है, हमारा ऐसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बिना सत्य के भी जीवन चलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, तो वो रास्ता छोड़ देते। मगर देवकी डटी रही, उनके सामने ही इतना कुछ हुआ, मगर वहां यह क्लियरिटी कितनी होगी कि वह बॉडी चुनी गई है। वहां यह बहुत साफ साफ है कि कृष्ण उनके द्वारा अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, यानी चेतना, वह सेल्फ। शरीर समझा तो ये बात नहीं समझ में आएगी। तो शरीर को निमित्त बनाया गया उस सेल्फ की अभिव्यक्ति होने के लिए, जहां ये क्लियर है, उसे पता है उस भक्ति में वह सब सह लेती है बॉडी। उस शरीर को बहुत कष्ट हुए, मगर चूंकि भक्ति थी तो वह आनंद में सब सह पाई। उनके पति, वे दोनों, वहां वो क्लियरिटी थी।
कि आठवां पुत्र यानी उसके पहले जो भी चीजें होने वाली है, दुख आने वाले हैं, वे सब तैयारी है। उस तैयारी के बाद ही कृष्ण आएंगे। वह तैयारी है कंस के मौत की। कंस सात बच्चों तक किसको याद कर रहा है बैठ के राजमहल में? तोलुमन क्या सोच रहा होगा कि कृष्ण आएगा, उसे मारेगा, खत्म करेगा? कृष्ण ही चल रहा है दिमाग में, कृष्ण के अलावा कुछ याद ही नहीं आता। उठते बैठ आधी रात के उठ जाता है, उसकी नींद खराब हो गई है, उसको चैन नहीं है। कंस को मारने के पहले उसे वह डर देना आवश्यक है। 7 साल तक वो डरता रहा और कृष्ण को याद करते रहा। ये कैसी भक्ति थी? याद तो कृष्ण को ही किया। अगर वह आकाशवाणी नहीं हुई होती तो कैसे कृष्ण को याद करता? यानी तोलू मन के लिए सब व्यवस्थाएं की गई, तोलू मन को ही भक्ति मिल जाए, वो हमेशा कृष्ण को ही याद करता रहे। पहले तो गुस्से में, डर में, नफरत में याद करेगा, मगर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, कंस की मौत होती है, तो कैसा आनंद उत्सव मनाया जाता है मथुरा में, कैसी अभिव्यक्तियां हुई कंस के मरने के साथ। तो आंतरिक बातें सब समझ में आई। कंस को मारने के लिए ये सारी व्यवस्था थी। आंतरिक अर्थ पकड़ोगे तो सब मैच होगा। कृष्ण लीला के अगले पड़ाव में हम जानेंगे कि देवकी और वासुदेव जिस जेल में थे, जिन बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वे किसका प्रतीक हैं। साथ ही हम जानेंगे विचारों की भंवर से निर्विचार अवस्था की प्राप्ति का रहस्य। माँ जेल में थी यानी मान्यताओं में थी। माता पिता मान्यताओं में होते हैं और जब कृष्ण पैदा होता है मान्यताएं टूट जाती है, जेल खुल जाती है, कंस के मौत की शुरुआत हो जाती है। और फिर जब उस बच्चे को बाहर ले जाते हैं, यमुना नदी से लेकर जाते हैं उनके पिताजी, तो क्या होता है? वासुदेव पानी में पूरे डूब गए हैं। यानी उस वक्त कैसे विचार चल रहे होंगे, उस वक्त जो लहरें उठ रही है, वासुदेव उन लहरों में उलझे हुए, उन लहरों में उलझे हुए है, यानी वो तूफान है विचारों का। और कृष्ण का पांव लगते ही क्या हुआ, वो पानी नीचे आ गया, लहरें खत्म हो गई, विचार खत्म हो गया। जब विचारों को सेल्फ का स्पर्श होता है तब विचार खत्म होने लगते हैं, निर्विचार अवस्था आने लगती है, समुन्दर से, भाव सागर से पार हो जाते हैं। प्रतीक है, कुछ बातें हुई है, कुछ बातों में भाव दशा बताने के लिए, कुछ पात्र जोड़कर इन सब बातों को आज की जनरेशन में पहुंचाया गया है। हमें मनन के द्वारा उस चाबी को तैयार करना है ताकि सही अर्थ पकड़कर हम आगे बढ़ पाएं। यानी कंस को अपना रिलेटिव न माने, तोलू मन में न उलझें और कृष्ण को आगे आने का मौका दें, कृष्ण को प्रकट होने का मौका दें, तो हमने सही लाभ लिया। हमारे अंदर भी ये हो जाए, क्योंकि कृष्ण शरीर नहीं, उस चेतना का नाम है। आइए अब जानें कैसे खोलें मनन की चाबी से ज्ञान का ताला और समझें कि कैसे कहानियों के रूप में ज्ञान आज भी जिंदा है। आप सबको एक चाबी बनानी है, ऐसे ताले की चाबी जो ताला तो पहुंच चुका है, चाबी खो गई है। ताला पहुंच चुका, हजारों साल पहले
जो ताला बंद किया गया, लॉक किया गया, जो ज्ञान आगे पहुंचाने के लिए सुरक्षित रखा गया, ताले में सुरक्षित रखा गया, ताला जिसके खुलते ही ज्ञान का समंदर दिखाई देता है, ज्ञान का समंदर उस ताले में रखा गया। पूरा समंदर नहीं भी समझ पाए, मगर उस ताले के पीछे जो तालाब है वह भी समझ पाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। तो बात ताले की थी, ताला पहुंच चुका है, चाबी बनाने की कला जब हम सीख जाते हैं तो चाबी भी बना पाएंगे। चाबी कैसे बनती है? वह बनती है मनन के द्वारा। जब मनन किया जाता है तो अचानक रहस्य साफ साफ दिखाई देने लगते हैं कि कृष्ण की कहानी क्या बता रही है, उसके पीछे असली रहस्य क्या है। कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे, यानी ताला तो हमें दिया ही गया है, मगर चाबी के बारे में चर्चा कम होती है। तो ऐसा दिवस आता है जब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। जो मनन करते हैं वे ही सही त्यौहार मना सकते हैं। जो मनन करेंगे समझेंगे कि कहानी बनाने वाले ने आंतरिक अवस्था को बयान करने के लिए कुछ जोड़ा, एग्जैक्टली वैसा नहीं था, जैसे बताया गया वैसे नहीं था। मगर आंतरिक अवस्था बताई कैसे जाए? जब आपको ये बातें समझ में आएगी तो आपको बहुत खुशी होगी, आप कहोगे कि और कहानियां हम सुने पढ़ें, क्योंकि आपको असली अर्थ समझ में आ रहा है। धन्यवाद के भाव उठेंगे जिन्होंने इस ताले को आगे भेजा, क्योंकि इतने अलग अलग ढंगों से उन्हीं बातों को प्रस्तुत किया कि किसी न किसी कहानी से आपकी भक्ति जग जाए, किसी न किसी बात से आपके अंदर वह प्यास सत्य को पाने की, कृष्ण चेतना को जगाने की जग जाए। तो धन्यवाद के भाव उठेंगे, और उन भावों के साथ जब आप कहानी के गहराई में जाओगे तब पाओगे कि मनन की चाबी के बिना ये ताला मात्र ताला होता। प्रयास सराहनीय है कि कैसे कोई इस तरह प्रयास कर सकता है उस समझ को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए। अब ताले का अर्थ समझ लेना। कोई बहुत पुराना भजन आपके पास पहुंचा है तो समझना वह ताला है। कोई दोहा आपके पास पहुंचा है बहुत पुराना तो समझना वह ताला है। जिसने कहानी के साथ कुछ जोड़ दिया उसके अंदर क्या भाव थे, वह क्या पहुंचाना चाहता था। ताला पहुंचाना आसान है, चाबी पहुंचाना मुश्किल है। कहानियां पहुंच जाती है क्योंकि कहानियां याद रहती हैं। भजन दोहे पहुंच जाते हैं, मगर उसके साथ जो समझ है वह स्लिप हो जाती है। मगर जिन्होंने ताला बनाया वे जानते हैं, जिन्होंने कहानियों के साथ कुछ जोड़ा वे जानते थे कि ये होने वाला है, और ये भी जानते थे कि आगे कोई मनन के द्वारा उस चाबी को ढूंढ लेगा, तो चिंता की बात नहीं है।
ये बातें सुनकर किसी को ये न लगे कि कृष्ण की कहानियाँ मात्र कहानियाँ है, ऐसे नहीं हुआ था, कोई ऐसा न समझ ले। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जानें कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। The first time I just came here, I was so adamant. So it's like I've traveled all over India, but this is the first time Guruji, I've seen your smile, and your smile itself will just all diseases will disappear because of this contagious smile. And there are certain things which are illogical, as you said, Guruji. That's real. Because there's one patient in Omkareshwar, he was paralyzed. So he was asking for help. I mean, it was through some God's consciousness or something, I went there. And I was supposed to give treatment for them. So it's like, Ishwar is going to give treatment, not me. So all of a sudden, he was paralyzed for the past 6 years. So we had to collect all the medicine from Kerala and some other parts of India as well. So we gave medicine for him. Within a span of, he was a head priest of Omkareshwar Mandir. So within a span of 1.5 months, he was able to move his eye, left hand. And he is almost 80% okay right now. So I felt, what is this? There must be something eternal beyond science as well. So just, I got to know this is, from after coming to this Shibir, I got to know there's something illogical and it's beyond science. And after, I've really experienced eternal bliss. You say, and first time, there's nothing in my mind. So the first time I'm shivering to say something. Thank you. Yes. Thanks to everyone. Yes. Yeah. तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें।